नवे मंत्र से पाठ करेंगे। अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यो विद्यायागम्रताः अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यो विद्यायागम्रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च वविद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते विद्यां च वविद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सह अविद्यां मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते विद्यामृतमश्नुते श्रुति नौवें मंत्र से एक नए प्रकरण का प्रारंभ करती है। एक नए प्रकरण का प्रारंभ करती है वो यह है कि विद्या और अविद्या के बीच समुच्चय, इसी विद्या और अविद्या को कर्म और उपासना का भी नाम दिया गया। आपने पढ़ा अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, श्रुति उनको फल बताती है कि अविद्या की उपासना करने वाले व्यक्ति को अंधकार में, अंधकार पूर्ण लोक में जाना पड़ता है। कौन है? बोले जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, तो अविद्या के उपासकों की मरणोपरांत जो गति है वो क्या है? अंधम तमा। इस पर हमारी आपकी चर्चा हो चुकी। इससे ज्यादा क्या हुआ? बोले जो अविद्या तो नहीं, विद्या की उपासना करते हैं, यो विद्याया गम्रता, जो विद्या की उपासना करते हैं, बोले वह तो उनसे भी घनघोर अंधकार में चले जाते हैं। हो गया? तो ये अर्थ आप देख चुके। भाष्य में आपने अर्थ देखा कि अविद्या का अर्थ क्या किया गया और विद्या का अर्थ क्या किया गया। अविद्या का अर्थ किया गया देवता ज्ञानम। मिल गया आपको ये?
आपने पढ़ा देवता ज्ञानम न आत्म चैतन्य न ब्रह्म विद्या इत्यर्थ। यहां जो अविद्या का अर्थ किया गया वो क्या किया गया, देवता ज्ञानम। देवता ज्ञानम का अर्थ किया गया उपासना, मिल गया आपको, ये अंडरलाइन कराया था। तो उपासकों की जो गति है वह तो अंधकार में है, और विद्या का अर्थ किया गया कर्मणः, जो लोग कर्मी हैं। कर्मी कैसे हैं, बोले महाराज दुष्कर्मी तो कतई नहीं है, देखो जी सत्कर्मी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्कर्मी हैं। दोनों में अंतर क्या है, ये जो उपासना वाला व्यक्ति है, ये जो विद्या वाला व्यक्ति है, कर्मी वाला व्यक्ति, तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि मैं सत्कर्म करता हूं, और वास्तव में सत्कर्म करते भी हैं, किसी का नुकसान नहीं करते, किसी को हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कहा जाए कि आपको कभी मंदिर जाना चाहिए, उपासना करना चाहिए, जप तप करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति इस चीज को करने से क्या करते हैं, मना कर देते हैं। तो सत्कर्मी हैं लेकिन उपासक नहीं है, ठीक है ना, सत्कर्मी हैं उपासक नहीं है। देखो जी, बोले महाराज इनकी गति अच्छी नहीं होती। अच्छा, दूसरे और लोग हैं जो उपासक तो हैं, लेकिन उनसे कहा जाए कि भाई अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, तो जो कर्तव्य कर्म है उसका भी पालन नहीं करते। बोले रात दिन किस में लगे हुए हैं, उपासना में। श्रुति को यह भी पसंद नहीं है, मिल गया, श्रुति को यह बात भी पसंद नहीं है कि जो कर्तव्य कर्म है उस कर्तव्य कर्म को भी इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। सो अब श्रुति कहती है इनके समुच्चय को करना चाहिए। देखो यही विषय चल रहा था हम लोगों का, जरा समझिए क्या कहना चाहती है, समुच्चय मतलब क्या। समुच्चय का अर्थ हुआ कि सह अनुष्ठान, समुच्चय का अर्थ हुआ सह अनुष्ठान। सह अनुष्ठान मतलब क्या हुआ, दोनों चीजों का साथ साथ अनुष्ठान करना, इस विधा को कहते हैं समुच्चय। क्योंकि ये प्रकरण ही किसका है, समुच्चय का है। अच्छा, अब ये भी जानिए कि जो समुच्चय है वह दो प्रकार का होता है, ये चर्चा यहां पर नहीं है। समुच्चय भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के समुच्चय को कहते हैं कर्म समुच्चय, एक समुच्चय को कहते हैं क्रम समुच्चय, और दूसरे समुच्चय को कहते हैं सह समुच्चय। बोले क्रम समुच्चय और सह समुच्चय में क्या अंतर हुआ, तो क्रम का अर्थ हुआ कि दोनों को एक साथ नहीं कर सकता, लेकिन कैसे कर सकता है, क्रम में कर सकता है। जैसे कि समझिए इस बात को, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या का और कर्म का समुच्चय कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। किसका समुच्चय कहा गया, ब्रह्म विद्या का और कर्म का समुच्चय एक साथ नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता, बोले सह समुच्चय नहीं हो सकता। एक ही व्यक्ति एक ही समय में दोनों का अनुष्ठान एक साथ करे वह नहीं हो सकता। बोले ऐसा कैसे कह रहे हैं, देखिए
जो ज्ञान की भूमि है वह कैसी है? अकर्तृत्व की। और जो कर्म की भूमि है वो कैसी है? कर्तृत्व की। भले ही हम पूजा और उपासना करें, रुद्राभिषेक करें या पूजा करें, उसमें भी आखिर व्यक्ति से क्या लेता है? संकल्प लेता है। क्या लेता है? अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त। तो अहम तो शब्द आया ही आया। अरे चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम आयु ऐश्वर्य आरोग्य बल आदि प्राप्त्यर्थम। तो आखिर अहंकार, एक अहंग तो उसने क्या किया? लिया ही लिया। और नहीं लिया तो अपने परिवार के गोत्र का नाम तो क्या किया उसने? देहाभिमानी तो है। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? उपासना कर्म। और जो ब्रह्म विद्या का आधार है वो कैसा है? अकर्तृत्व। तो दोनों का समुच्चय एक साथ तो हो नहीं सकता। एक तरफ कर्तृत्व भी होवे, एक तरफ अकर्तृत्व की भी बात करें। भाई एक तरफ कहें कि मैं ब्रह्म हूं और दूसरी तरफ आप कुछ कहें, यह दो चीजों तो एक साथ नहीं चल सकती। तो श्रुति कहती है कि कर्म का और ज्ञान का सह समुच्चय नहीं है, लेकिन क्रम समुच्चय है। कैसे है समुच्चय? क्रम समुच्चय। उपासना से सत्कर्म आदि के द्वारा व्यक्ति अपने अंतःकरण को क्या कर ले? शुद्ध कर ले। सर्वप्रथम तो यही करे। क्या करे? जाए, पहले उपासना करे, पहले सत्कर्म करे, थोड़ा जप तप करे, थोड़ा सेवा करे, थोड़ा गुरु प्रसदन करे। तो पहला जीवन में ये होना चाहिए। और जैसे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, अंतःकरण की शुद्धि के बाद उस व्यक्ति में ज्ञान स्वतः ही धीरे धीरे क्या करेगा? प्रवेश करेगा। तो पहला कौन हुआ फिर? पहले तो कर्म और उपासना हुई, और कर्म और उपासना के बाद क्या हुआ फिर? ज्ञान। तो इसमें बाद में और पहले का जिसमें क्रम है उसको क्या बोलेंगे? क्रम समुच्चय। किसकी समझ में नहीं आया इसमें? बनता है? हाँ, तो यही तो कहना है इसीलिए। लेकिन कि ये समुच्चय कैसे किया गया? क्रम समुच्चय। एक ही काल में दोनों साधनाएं नहीं की गई। पहले उसने, साधक ने क्या किया? अंतःकरण को क्या किया? शुद्ध कर लिया, ठीक है। और जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, थोड़ा साफ हो गया, तो उस व्यक्ति ने क्या प्रारंभ कर दिया? फिर ज्ञान की साधना। तो जो समय है साधना का, वो दोनों साधना का समय क्या हो गया फिर? तो जीवन के पूर्वार्ध में उस व्यक्ति ने कर्म समुच्चय किया, और जीवन के उत्तरार्ध में उसने क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया। ये हम लोगों के जीवन में भी देखने को मिलता है। तो जितना अंतःकरण शुद्ध होगा, उतना ही उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा। तो क्या करो? पहले बोले अंतःकरण को क्या करो? शुद्ध करो। कैसे शुद्ध करें? बोले कर्म और उपासना करो। क्या होगा? बोले उसे ज्ञान प्राप्त होगा। दोनों साधनाओं को क्रम से अनुष्ठान करने को क्रम समुच्चय कहते हैं। अच्छा, इसी का विपरीत सह समुच्चय। कर्म और उपासना को व्यक्ति दोनों को एक साथ कर सकता है। कर्म भी करे और उपासना भी करे, यह व्यक्ति चाहे तो कर सकता है, और दोनों को एक साथ कर सकता है, एक समय में कर सकता है। यही श्रुति कहना चाहती है कि इनका सह अनुष्ठान होना चाहिए। किनका? कर्म और उपासना का। यहां कर्म और उपासना की जगह जो शब्द दिया गया वो क्या दिया गया? विद्याम च अविद्याम च। बस शब्दों को क्या कर दिया? श्रुति ने बदल दिया। तो कर्म का अर्थ क्या हो गया? कर्म का अर्थ क्या हो गया?
विद्या, ठीक है, और उपासना का अर्थ क्या हो गया? अविद्या। और देखिए कल इसको आपके भाष्य में मैंने कल कहीं पढ़ाया था, उस दिन देखो ये है ना पेज नंबर 39 पे, यद् दैवं वित्तं देवता विषय ज्ञानं तत्कर्म संबित तत्कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम न परमात्म ज्ञानम। देखो जी हो गया विद्या देवलोकः, विद्या का अर्थ क्या हो गया? उपासना। ये नोट कर ले कहीं, विद्या का क्या अर्थ हो गया? उपासना। इसीलिए क्या बोला गया? देवता विषय ज्ञानम। तो विद्या का अर्थ हो गया उपासना और अविद्या का अर्थ क्या हो गया? कर्म। ठीक है, ठीक है, इन दोनों का अर्थ समझ में कहीं नोट कर लिया आपने? विद्या का अर्थ हुआ उपासना, भाष्यकार ने विद्या का अर्थ क्या किया? देवता विषय ज्ञानम। इसको अंडरलाइन किया होगा आपने, जिनके पास ये कैलाश आश्रम की ग्रंथ है उनके लिए कह रहा हूं। 39वें पेज पे ये अंडरलाइन कराया था, देवता विषय ज्ञानम तत्कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम न परमात्म ज्ञानम विद्या देवलोकः। मिल गया? तो विद्या का अर्थ क्या हो गया? उपासना। और अविद्या का अर्थ क्या हो गया? कर्म। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो इसको आगे, देखो क्या बनता है। तो श्रुति कर्म और उपासना में सुलझा सुलझा के देखिएगा, श्रुति कर्म और उपासना में कैसा समुच्चय चाहती है? सह समुच्चय। और वो कहती है ये जो श्रुति ने निंदा की, क्या निंदा कर दी? दोनों की निंदा करी उसने कि तुम अंधकार में जाओगे और तुम भी अंधकार, तुम तो घोर अंधकार में जाओगे। तो वास्तव में यह निंदा करने के लिए नहीं है, समझना, ये पिछले प्रवचन का सार यही था। श्रुति क्या कहना चाहती है? दोनों का अलग अलग फल आता है। किसका अलग अलग फल आता है? उपासना का फल अलग आता है और कर्म का फल अलग। क्या आता है अगर दोनों का अलग अलग किया जाए? हाँ, दोनों का अलग अलग फल क्या है? तो उपासना का जो फल आता है वो देवलोक है, और जो कर्म का फल है वह पितृलोक है। ठीक है, मान लो कोई नहीं करता है तो उसका क्या होगा? बोले ये पितृलोक जाएगा। बोले ये कहाँ जाएगा? ये देवलोक जाएगा। श्रुति कहती है ऐसा करो, दोनों ही अनित्य हैं, दोनों से वापस आ जाओगे और दोनों में ही दुखी रहोगे। किसमें? देवलोक में भी दुखी रहोगे, आओगे, और पितृलोक। तो ऐसा करो सह समुच्चय दोनों का कर लो, और जब दोनों का सह अनुष्ठान करोगे तो जीवन में बहुत बड़ा फल उत्पन्न होगा। इसलिए श्रुति निंदा करके साधक को बड़े फल की ओर लगाने की क्या दे रही है? प्रेरणा दे रही है। मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो गया होगा। पिछला क्रम स्पष्ट हो गया। अलग अलग की श्रुति ने निंदा क्यों की? बोले निंदा इसलिए की क्योंकि इन दोनों का छोटा छोटा फल आता है। अगर दोनों का सह अनुष्ठान कर लोगे तो फिर तो बड़ा फल आएगा। हो गया, स्पष्ट हो गया। अब देखिए आगे बढ़िए जरा 10वें मंत्र में। अगर भाष्य नहीं आदो तो देखिए यही जो मैंने बताया 42वें पेज के आखिरी पंक्ति देखिएगा,
अंडरलाइन कराई थी मैंने 42 पेज पर, तत्र अवांतर फल भेदम है, अंडरलाइन, तत्र अवांतर फल भेदम, ऐसे तो दोनों में एक दूसरे का अलग अलग फल है, लेकिन श्रुति क्या कहना चाह रही है, विद्या कर्मणोः समुच्चय, दोनों का क्या कर दो तुम, समुच्चय कर दो, अलग अलग मत करो, अगर अलग अलग करोगे तो फिर जो फल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अल्प मिलेगा, इसलिए श्रुति इसकी निंदा करती है। स्पष्ट हो गया? अच्छा आगे बढ़िए, क्या बोलते हैं दसवां मंत्र देखिए, अन्यद आहुर विद्या, मिल गया, ये देव नहीं है, है ना, ये दा को क्या पढ़ेंगे, अन्यत, और ए को कहां जाएगा, इधर, अन्यद एव, मिल रहा है, अन्यद एव आहुर विद्या, और अन्यद आहु रा में अ आगे आ जाएगा, तो अन्यद आहु अविद्या, मिल गया सबको ये मंत्र, अन्यत आहुर, एक तो क्या कहा गया, विद्या कहा गया, और एक को क्या कहा गया, अविद्या कहा गया, दोनों को क्या कहा गया, कि दोनों ही एक दूसरे से कैसी हैं, अलग हैं। पहली पंक्ति स्पष्ट हो गई, अन्य देवाहुर विद्या, अन्यद आहु, आहु मतलब कहना, अन्यद आहुर विद्या। बोले महाराज ये किसने कहा, ये किसने कहा ये सब? बोले देखो, इति सुश्रुम धीराणाम ये न, न मतलब हम लोगों के लिए, संस्कृत में न मतलब क्या होगा, अस्माकम, अस्माकम मतलब हम लोगों के लिए, ये हम लोगों के लिए कहा, विचचक्षिरे न विचचक, ये हम लोगों के लिए कहा, किसने कहा? बोले ये हमारे आचार्यों ने कहा। वाह, बोले कौन है आचार्य, वो आचार्य का लक्षण क्या है? बोले आचार्य का लक्षण धीराणाम, देखो दे, मिल गया, अब अर्थ स्पष्ट होता है, इति सुश्रुम, ये हमने सुना, किससे सुना? बोले ये है, ये है मतलब आचार्याहा, किससे सुना हमने, ये आचार्यों से सुना, वो कैसे आचार्य थे? बोले धीराणाम, वो कैसे आचार्य थे? धीर थे, तो धीर आचार्यों से हमने यह चीज सुनी है, क्या चीज सुनी है, कि विद्या अलग है और अविद्या अलग है, विद्या का फल अलग है और अविद्या का फल अलग है, ये मैंने मनगढ़ंत बात नहीं कही है, श्रुति क्या कह रही है, श्रुति का जो शिष्य है वो कहता है मैंने अपने पूर्व पूर्व आचार्यों से यह बात सुनी है। देखो जी, और आचार्य का एक बहुत स्पष्ट लक्षण बता दिया, हमने जो आचार्यों से सुना, वह जो आचार्य थे वह कैसे थे, वह धीर पुरुष थे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, यहीं पे समझ लें तो अच्छी बात है, क्योंकि कठोपनिषद के लगभग प्रत्येक मंत्र में ये शब्द आया है, ठीक है, कठोपनिषद के लगभग प्रत्येक मंत्र में ये शब्द आया है, कौन सा शब्द, धीर। यहां जो हिंदी में धीर कहते हैं वो यहां अर्थ नहीं है, हिंदी में धीर मतलब क्या कहते हैं, बोले धैर्यवान, वह भी है बट वो बहुत हल्का अर्थ है, उपनिषद में धीर का अर्थ धैर्य वाला नहीं कहा गया। देखो तो क्या अर्थ है, देखो ऐसे तो धीर शब्द के तीन अर्थ होते हैं, तीनों का आपस में एक दूसरे से संबंध है, ये व्याख्या इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आचार्य की जो संज्ञा दी गई वह क्या दी गई, धीर दी गई,
कहाँ शब्द आया ये? इति सुश्रुम धीराणाम, ये शब्द क्या आ गया? धीर शब्द आया। अच्छा भाई, तो धीर शब्द के तीन अर्थ हैं। जब आपसे भी कहा जाता है कि धीर बनो, तो देखो धीर मतलब ये तीन अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है धीर का बुद्धिमान, दूसरा अर्थ होता है वैराग्य, और तीसरा अर्थ होता है स्थिर व्यक्ति। तीनों का आपस में संबंध है। पहला अर्थ क्या किया गया? बुद्धिमान। दूसरा अर्थ क्या किया गया? वैराग्य। और तीसरा अर्थ क्या किया गया? स्थिर व्यक्ति। बन गया। अब इसकी जो संभव हो तो याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और न याद हो तो फिर ठीक है। एक परिभाषा दी गई धीर पुरुष की, धीयम राति विषयेभ्यः सह धीरः। क्या परिभाषा बोला? धीरम शब्द कहां बोला अभी मैंने? कहीं और टहल रही हो आप, कहीं और टहल रही हो। धीयम राति विषयेभ्यः, धी का अर्थ क्या किया गया? बुद्धि। अपनी बुद्धि को विषयों से हटाने काले पुरुष को धीर पुरुष कहते हैं। देखो आप कितनी कितनी गहरी परिभाषा बन गई। उस परिभाषा को पकड़ के रखो। धीयम, धीयम मतलब बुद्धि, राति, राति मतलब हटाना, हटाना टू रिमूव, कहां से हटाना? बोले विषयेभ्य, विषयेभ्य विषयों से अपनी बुद्धि को क्या करना? हटाना। सावधानी से देखो आप, विषय को हटाने को नहीं कहा गया, ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। विषय को हटाने को नहीं कहा गया। विषय मतलब क्या हो गया? विषय मतलब जगत। किसी व्यक्ति को हटाने को नहीं कहा गया। अपने वैराग्य की परीक्षा करनी होवे और अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा करनी हो, व्यक्ति को हटाने को नहीं कहा गया। कितनी बड़ी चीज है। व्यक्ति को क्यों हटाना? अपनी बुद्धि को हटाना। बन गया। धीयम, धीयम मतलब बुद्धि, बुद्धि को हटाओ। बोले कहां से हटाएं? बोले विषयों से हटाओ। विषयों से अपनी बुद्धि को हटाने वाले पुरुष को धीर पुरुष की संज्ञा दी गई। देखो जी, और इसको सरल भाषा में कह लें, दूसरा इसका, इसी परिभाषा का दूसरा एंगल ये होगा कि विषय होवे लेकिन मेरी बुद्धि उससे प्रभावित न होवे। चलो कोई भी शब्द कह लो, विषय होवे लेकिन मेरी बुद्धि उस चीज से प्रभावित न होवे। विषय आ जाने पर हमारा मन डोल जावे, लोभ की वृत्ति उठ जावे और क्रोध की वृत्ति भी उठ जावे, ठीक है ना? तो इसका मतलब तो मामला फिर क्या है? गड़बड़ है। इस व्यक्ति को धीर पुरुष कहा है उपनिषद में। मतलब प्राप्त विषय से बुद्धि हमारी प्रभावित न होवे, क्योंकि विषयों की प्राप्ति हमारे वश में नहीं है। विषयों की प्राप्ति हमारे वश में नहीं है तो विषयों की प्राप्ति किसके आधार पर है? वो तो फिर प्रारब्ध के आधार पर है।
और इसी को आपने गीता में बोला, ऐसे व्यक्ति को पूरा 12वां अध्याय इसके लिए है, परिस्थिति निरपेक्ष जीवन बन जाए। परिस्थिति शून्य नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि परिस्थिति शून्य हो नहीं सकता, परिस्थिति शून्य हो नहीं सकता, इसलिए मैं शब्द बहुत सावधानी से प्रयोग कर रहा हूं, परिस्थिति निरपेक्ष जीवन। परिस्थिति निरपेक्ष जीवन का अर्थ हुआ कि कोई भी परिस्थिति प्राप्त होने पर, अरे कौन सी परिस्थिति प्राप्त हुई, समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो हो, मतलब अपमान की भी परिस्थिति उसको प्राप्त होती है, ये तो मना नहीं कर सकता, और शत्रु की भी परिस्थिति उसको प्राप्त होती है। तो परिस्थिति में तो कोई अंतर आया नहीं ज्ञानी के और अज्ञानी के। परिस्थिति मतलब आप क्या कह लीजिए, विषय। पूरा 12वां अध्याय जिसको आप जीवन मुक्त के लक्षण कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित। तो फिर निंदा शब्द डालना ही नहीं चाहिए था, स्तुति ही शब्द डालते, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, तुल्य निंदा स्तुति ही दियम राति विषयेभ्य। प्राप्त विषय होने पर भी ये साधन, देखो ये मेरा मत ऐसा लगता है कि ये एक साधक का भी नाम है और ये एक सिद्ध का भी नाम है। साधक इसको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं कर पाया है, और सिद्ध ने इस अवस्था को पूर्ण तरीके से क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। प्राप्त विषयों से हमारी बुद्धि प्रभावित न होवे, बस विषयों को हटाने की कोशिश मत कीजिए। तो फिर इसलिए कह दिया गया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अगर सामने रखो, बोलने दो उसको जो बोलता है। अब हमारे अंतःकरण पर कितना प्रभाव पड़ा, ये हमारी जिम्मेदारी, ना प्रभावित होना और प्रभावित होना ये हमारी जिम्मेदारी, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं। व्यक्ति को हटाएंगे तो न जाने कितने व्यक्तियों को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, बन गया। तो ये परिभाषा को आप बड़ा कीजिए, परिभाषा क्या बोली गई, धियम राति विषयेभ्य, विषयों से अपनी बुद्धि को हटाना। तो बुद्धि को असंग बनाना, विषयों को कुछ मत करना, ना तो विषय अच्छे हैं ना तो विषय बुरे हैं, लेकिन हमारे लिए यह उपयोग में नहीं है, इसलिए मैं इस विषय का उपयोग नहीं करूंगा, बनता है। तो दूसरे दृष्टि क्या रखा, विषय के उपस्थित होने पर भी हमारी बुद्धि उनसे किसी तरह से प्रभावित न होवे। जिसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, ऐसे पुरुष को श्रुति क्या कहती है, धीर। हो गया स्पष्ट, ये स्पष्ट हो गया, कुछ रह गया इसमें, अच्छा इसी को देखो, और एक चीज देखो, ये शब्द भगवत गीता में कहां पे आया है, क्या कहोगे, ठीक है, और जहां अधिकारी के लिए आया, अधिकारी के लिए आया है, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख सम दुख सम सुख दुखक धीरम सोम्र तत्वाय कल्पते। तो इसी से अर्थ एकदम मिल गया कि नहीं लग गया, इस अर्थ से श्लोक मिलता है, क्या श्लोक है, श्लोक किस अध्याय का भाई, 15वां श्लोक मिल गया, देखिए, यम ही न व्यथयन्ते ते,
यम ही न व्यथयन्ति, जो व्यक्ति व्यथित नहीं होता है। ठीक है, बोले किससे व्यथित नहीं होता है, किससे व्यथित नहीं होता है, नीचे क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, सम दुख सुखम। देखो जी, यही आप पढ़ रहे हैं परिभाषा, धियम राति विषयेभ्यः। भाई भगवत गीता लेके रखो हाथ में, आप लोग, आप क्यों नहीं ले रहे भाई भगवत गीता, ऐसे कैसे पढ़ाई करेंगे, पढ़ कुछ रहा, पढ़ाया कुछ जा रहा है। सम दुख सुख, विषय देखो कितने स्पष्ट भगवत गीता के। अब भगवत गीता को इस दृष्टि से देखना आना चाहिए आपको, ये है ना, एक बार आप पढ़ चुके इस दृष्टि से, ये सब स्मृति में आए। यम ही न व्यथयन्ति, जो व्यक्ति व्यथित नहीं होता है, बोलते हैं ऐसा व्यक्ति पुरुषों का पुरुष है, मतलब पुरुषों का भी क्या श्रृंगार है, वाह, पुरुषम पुरुषर शभ। बोले किसमें व्यथित नहीं होता है, बोलते हैं सम दुख। अच्छा, यदि दुख नहीं आता तो सम रहने की आवश्यकता क्या थी, यदि दुख होता ही नहीं तो सम की रहने की आदत क्या थी फिर। समता की बात तो तभी ही की जाएगी जब विपरीत विषय भी क्या हो गए, उपस्थित हो गए, और यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए गीता बार बार बोलती है यो समत्वम योग उच्चते, समत्वम योग उच्चते। समत्व शब्द से, सम शब्द से यह अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है कि विपरीत विषय भी उसके पास आते हैं, तभी तो वो क्या रहता है, समत्व रहता है। सम दुख सुखम, और आगे शब्द क्या लिखा है, धीरम। देखो जी, उस व्यक्ति का नाम क्या है, धीर। ऐसे व्यक्ति को क्या मिलता है, अमृतत्वाय। देखो जी, ऐसे व्यक्ति तो अधिकारी बनने के लिए क्या हुआ, फिर धीर बना। यही आपने परिभाषा क्या पढ़ी यहां, धियम राति विषयेभ्यः, जो व्यक्ति प्राप्त विषय आने पर भी अपनी बुद्धि से उनसे असंग रहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया, धीर कहा गया। स्पष्ट है। दूसरी एक चीज और देखिए, ये परिभाषा भी बड़ी अच्छी लगती है, बहुत पहले मुझे पढ़ाई थी गुरु जी ने, कालिदास जी ने परिभाषा दी है, ये भी याद रख लीजिए। विकार हेतु हो सती, ये लिख लीजिए फिर और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। विकार हेतु हो सती, न विक्रियन्ते येषां चेतांसि। अब इधर उधर शब्द हो सकते हैं। विकार हेतु हो सती ही न विक्रियन्ते, मिल गया, येषां न चेतांसि, येषां चेतांसि। सरल अर्थ क्या हुआ इसका, देखो का ये परिभाषा किसने दी है, कालिदास ने। धीर तत्व को अच्छे से खोद डालिए एकदम, हर जगह धीर पुरुष आएगा ये, और उपनिषद पढ़ना है कठोपनिषद तो धीर तो एकदम से समझिए क्या है। कालिदास जी ने तो और स्पष्ट कर दिया, विकार हेतु हो सती, सती मतलब होने पर, विकार के उपस्थित होने पर, अनुपस्थित नहीं, विकार के हेतु के उपस्थित होने पर न विक्रियन्ते, कोई कुछ नहीं होता उनके चित्त में, कुछ नहीं होता। बोले किसके, बोले ये शाम, बोले जिनके, कहाँ नहीं होता, बोले चेतांसी, जिनके चित्त में कुछ भी नहीं होता है, ऐसे पुरुष को धीर पुरुष कहते हैं। ये किसने परिभाषा दे दी, कालिदास जी ने, बन रहा है। तो दोनों में बात यही आती है कि विकार के विषयों के हेतु के रहने पर, बस सावधानी से रखिएगा,
विकारों से भागना नहीं है, विषयों से भागना नहीं है, विषयों को सामने रखना है, लेकिन सामने होने के बावजूद हमारी बुद्धि उसमें नरम है, ये साधना है भाई। जिस चीज जो चीज आपकी कमजोरी है उस चीज को सामने रखने के बाद में भी आपकी बुद्धि अब नहीं लगती, तब समझ लिए कि फिर तो साधना क्या हो गई, आगे बढ़ी। ये साधना करनी, इस ऐसे पुरुष को क्या कहा गया, धीर कहा गया। बार बार गीता इसी चीज को दिखा रही है, मैं आपसे बताऊं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम्। ये श्लोक याद होता है, पंद्रहवां अध्याय का। असंग, ये जो धीर पुरुष है ये कैसा हो रहा है, क्योंकि इसकी बुद्धि क्या हो गई है, असंग। जब उसकी बुद्धि विषयों में लगती ही नहीं है तो उस बुद्धि को क्या कहेंगे, इसकी बुद्धि असंग है भाई। गलत लोगों के बीच में रहने के बाद में भी मेरी बुद्धि वैसा बात न करे तो आप समझ लो आपकी बुद्धि कैसी है, फिर असंग है, फिर तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो गीता क्या कहती है, असंग शस्त्रेण, ये कितना बड़ा अस्त्र शस्त्र भगवान ने दे दिया, क्या, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन। ओहो, दृढ़ होना चाहिए असंगता का हथियार, और उसे क्या करो, काट दो, और जब ये काट लोगे तब ततः इसके बाद परिमार्गितव्यम, उसके बाद उसका क्या करो, अनुसंधान करो। ततः मतलब उसके बाद, किसके बाद, असंगता की सिद्धि हासिल करने के बाद उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। ये नहीं कि लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और हम संग भी करके बैठे हैं, ये नहीं हो सकता। इसके पहले, इसी को दूसरी भाषा में इसलिए अभी क्या कह दिया गया, वैराग्य। इसी को क्या कहा गया, बुद्धिमान। जो व्यक्ति विषयों से अपने आप की बुद्धि को अलग कर ले उसको क्या कहेंगे, बुद्धिमान। उसी को क्या कहेंगे, वैराग्य। तो ये शब्द खुलता है ना, वह जो आचार्य हैं जिसको ये शब्द से बोला, ये है विचचक छिरे, वो आचार्य कैसे हैं, बोले वह आचार्य धीर हैं। बोले धीर हैं मतलब क्या हुआ, बोले बुद्धिमान हैं, उनके चित्त में संतुलन है और उनके चित्त में वैराग्य है। देखो ये क्रम है, बुद्धिमान है इसलिए संतुलन है, चित्त उसी का संतुलित रह सकता है जो बुद्धिमान हुए। तो बुद्धिमान है इसलिए संतुलन है, संतुलन है इसलिए वैराग्य है। स्पष्ट हो रहा है ना, बुद्धिमान है इसलिए संतुलन है, संतुलन है इसलिए वैराग्य है, और ऐसे पुरुष को श्रुति क्या कहना चाहती है, धीर पुरुष कहना चाहती है। बोले किससे सुना, बोले मैंने अपने आचार्य से सुना। बोले तुम्हारे आचार्य ने कुछ और ज्ञान नहीं दिया, राजनीति शास्त्र, भूगोल शास्त्र, कोई अन्य शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया। बोले नहीं, हमारे आचार्य ने क्या दिया, हमारे गुरु ने मुझको कौन सा ज्ञान दिया, कोई राजनीति नहीं सिखाई, कोई ये सब बातें नहीं सिखाई। बोले हमारे आचार्य ने सिर्फ एक ज्ञान दिया, क्या दिया, कर्म और ज्ञान के, कर्म और उपासना के बारे में मुझे क्या कर दिया। देखो ये कहाँ आया है, अन्य, इस मंत्र पे ही रहिएगा, मंत्र पे ही रहना है, अन्यद एव आहु विद्या, एक को विद्या कहते हैं, एक को अविद्या कहते हैं। ये तुमने कहाँ सुन लिया, विद्या और अविद्या की बातें, विद्या और अविद्या मतलब कर्म और उपासना की बातें,
ये कर्म करने पर ये फल मिलता है, उपासना करने पर ये फल मिलता है, दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए, ये सब ज्ञान कहाँ से मिल गया तुमको? बोले महाराज, ये ज्ञान मेरा मन गढ़ंत नहीं है। पहली बात, जिसको लोग कभी कभी हिंदी भाषा में बोलिए, मेरा मौलिक ज्ञान है। वेदांत इसका बहुत विरोधी है। मौलिक क्या होता है? ज्ञान सत्य कभी मौलिक होता है? ज्ञान, हाँ, मौलिकता आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है, वो यूनिक हो सकता है, कहने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी आपका मौलिक। तो ये ज्ञान तुमने कहां से लिया? बोले मैंने मनगढ़ंत नहीं है ज्ञान। बोले फिर इति सुश्रुम, मैंने सुना है। देखो इसी को बोलते हैं श्रुति, मैंने इस ज्ञान को सुना है। बोले किससे सुना है? ये है शब्द क्या आया है? ये है। ये का अर्थ क्या करेंगे? ये का अर्थ क्या करेंगे? आचार्या। कौन से आचार्यों से? धीराणाम। मैंने यह ज्ञान आचार्यों से, बोले विचक्षिरे, उन्होंने यह ज्ञान क्या किया है मुझको? तो बोलते हैं तुम्हारे आचार्य ने कुछ और ज्ञान नहीं दिया। बोलते हैं हमारे आचार्य ने सिर्फ मुझको कर्म और उपासना का क्या कर दिया? ज्ञान दिया। अच्छा, अब हम लोग कभी कभी कर्म के महत्व को बड़ा कम आंक के चलते हैं। हमको लगता है कि यह तो अध्यात्म की बातें हैं, तो उसके गुरु ने यही ज्ञान क्यों दिया? आध्यात्मिक व्यक्ति के भी मन में ये क्या भ्रम रहता है कि ये तो स्पिरिचुअलिटी की बात हुई, जीवन तो कुछ और है, ये उसके मन में बना रहता है। तो पहली बात तो वह व्यक्ति गुरु प्रसदन गुरु वह तो निष्ठावान तो है ही नहीं, वह निष्ठावान व्यक्ति तो है ही नहीं, तो इसलिए फल तो घटित होगा ही नहीं कभी। उपनिषद का कभी नहीं घटित हो सकता। उपनिषद कहती है इसका मतलब तुमने कर्म के महत्व को, कर्म की भूमिका को जीवन में समझा ही नहीं। बोले अरे जिस गुरु ने कर्म और उपासना का ज्ञान दिया, पूरा जीवन ही किस पे आधारित है? कर्म पे ही तो आधारित है। अरे पूरा का पूरा जीवन ही कर्म पर आधारित है। नहीं कच्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। ये पूरा पूरा विश्व ही किससे चल रहा है? तो उसने जो आपको ज्ञान दे दिया, कौन सा ज्ञान दे दिया? कर्म का। बोले वो पूरे जीवन के लिए उपयोगी है। ये बातें हटा दो कि अध्यात्म में कर्म और उपासना की बात है, व्यवहार तो मेरा कुछ अन्यत्र है। बोले ऐसा जीवन में कभी मत लाना। बोलते हैं देखो तुम इस शरीर की, इस शरीर की प्राप्ति का हेतु क्या है? क्या कहोगे आप? कर्म। तो कितनी बड़ी चीज तुम्हारे हाथ में दे रखी है, तुमको ऐसे माता पिता और तुमको ऐसा समाज मिला, इसका हेतु कौन? तो आपके कर्म। देखो यही नहीं, जीवन में प्रगति और जीवन में अपकर्ष, जीवन में प्रगति और जीवन में अपकर्ष, उसका भी हेतु कौन है? देखो आप, वो पूरा जीवन ही है। सोचो आप, तो जीवन का कौन सा दृष्टि रह गई जो उस आचार्य ने तुमको क्या किया? ज्ञान नहीं दिया। तुम समझने में असफल रहे। देखो जी, तुम समझने में असफल रहे, ऐसा समझो उसने तो पूरा जीवन ही बता दिया कि जीवन की हर चीज की प्राप्ति और जो चीज नहीं प्राप्त हुई उसका भी कारण क्या है? तुम्हारा कर्म है, तो उसको सुधार लो। अच्छा, और देखो आप, एक ही कर्म है। देखो जी, अगर उसकी क्या कहा जाए,
वही कर्म प्रशस्त कहलाता है और वही कर्म अप्रशस्त भी कहलाता है। कर्म कैसा है? एक मान ले, ज्ञानी यदि प्रवचन करे, ज्ञानी यदि प्रवचन करे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उसकी करुणा, उसकी उसको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बाद में भी वह लोगों को क्या कर रहा है, तो उसके लिए क्या हुई? करुणा। अच्छा, साधक के लिए क्या हुई? वो साधक के लिए वो साधना हो गई। साधक के लिए वही ध्यान रखना, प्रवचन है कि है वही प्रवचन उस जीवन मुक्त पुरुष के लिए क्या है? करुणा। साधक के लिए साधना, वही प्रवचन बिजनेस भी है। आपने उस प्रवचन को क्या बना लिया? धंधा। इसको क्या बोलते हैं? ये तो हमारा क्या है? बिजनेस है। ओरेटरी बिजनेस भी है, आप देखते हो उसको बिकते भी हैं लोग। अभी जितने बहुत सारी चीजें जो आ रही हैं, अभी आप जो आप उसको जाके वो उसके लिए पैसा पे कीजिए, फिर आपको वो करेंगे, वरना उसका नेतृत्व नहीं करेंगे। हाँ, मैनेजमेंट। यहां तक कि मैं तो ऐसा भी देखता हूं कि उस क्लास में एंट्री के लिए पहले ही आपको दरवाजे पर वो गार्ड खड़ा रहेगा और वो क्या करेगा। यही शिव सूत्र को यदि मैं मैनेजमेंट में बोलता तो फिर 5,000 के पास लगते आप। लेकिन वही चीज चाहे तो व्यक्ति आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर दे। ये व्यक्ति है जो कर्म को प्रशस्त बना सकता है, यह व्यक्ति है जो चाहे तो उसी कर्म को क्या बना ले? अप्रशस्त बना ले। यह है कर्म की महिमा, और क्या कहा जाए। अच्छा, यही देख लो आप, पूजा कर्म की महिमा के बारे में कह रहा हूं। ये इसी पूजा की बदौलत रामकृष्ण परमहंस ने देवी को प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसका माध्यम क्या था? पूजा। एक पूजा और आडंबर को जन्म देती है। एक पूजा करना एक आडंबर भी है, बहुत बड़ा आडंबर है। ये जितनी भी आप देखते हैं, बहुत बड़ा तो प्रदर्शन का भाव है और कुछ नहीं। यही एक पूजा व्यक्ति कर तो रहा है, लेकिन मन के अंदर उसके किसी भी प्रकार का कोई भाव उत्पन्न नहीं है। वह मात्र क्रिया है। देखो अब जो कर्म है वो कैसा है? एक। लेकिन वही पूजा व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध करती है, वही पूजा ज्ञान भी दिलाती, वही पूजा उपास्य से भी मिलाती है। वही पूजा करने वाला व्यक्ति यह भी कहता है कि मैंने बहुत पूजा की है, आप क्या जानो ये सब बातें, ले ये भी कह देता है मैंने तो बहुत ही पूजा की है, आपको क्या पता। तो उसने क्या जन्म दे दिया? इसका मतलब यही कर्म प्रशस्त भी है। यही चिकित्सा देख लो आप, चिकित्सा का जो मूल आधार है वो सेवा है। यही सेवा प्रोफेशन भी हो सकती है, अब प्रोफेशन ही है, आप देख रहे हैं। इसी से व्यक्ति अपना अंतःकरण भी शुद्ध कर सकता है, इसी से व्यक्ति अपनी जीविका भी चला लेता है, और इसी से व्यक्ति परमार्थ से भी जुड़ जाता है। आपने मूवी देखी, स्वामी शिवानंद तो डॉक्टर थे, स्वामी शिवानंद तो चिकित्सक थे, और चिकित्सक से ब्रह्मज्ञानी बने। किस आधार क्या रहा? चिकित्सा। गुरुदेव का आधार क्या रहा? ओरेटरी, वक्तृत्व कला। विवेकानंद का आधार क्या रहा? वक्तृत्व कला। मैं ये कहना चाह रहा हूं वही सेम कर्म हो सकता है आपको प्रशस्ति भी दे, और संभव है वही सेम कर्म आपको क्या दे। ये आपके ऊपर है कि वो कर्म को मैं किस भावना से करता हूं। देखो ये है कर्म का इतना बड़ा। इसीलिए
भगवत गीता कहती है गहना कर्मणो गति, श्लोक है, कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। महाराज ये कर्म ऐसा है कि पता नहीं कब पुण्य बन जाता है कब पाप बन जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए गीता क्या कह देती है गहना। देखो तो ये कौन सा एरिया कवर हो गया आपके समय, कौन सा हुआ ज्ञान हो गया, ओ ये कर्म का एरिया कवर हुआ हुआ। अच्छा दसवें श्लोक का जरा, अच्छा ये तो हो गया नौ बार। भाष्य को जरा देखिए एक पंक्ति में क्या बोलते हैं, अन्य अन्यत मिल गया अन्यत एव इत्यादि। देखो जी मिल रहा है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, बोले अलग अलग भी हैं, है ना, ठीक है। अन्यत अन्यत मतलब अलग अलग है, अलग अलग मतलब क्या, अन्यत पृथक, दोनों ही क्या हैं पृथक पृथक हैं। कौन कौन, उपासना अलग है और कर्म क्यों अलग अलग हैं, क्योंकि इन दोनों के जो फल हैं वो भी कैसे हैं अलग अलग हैं। अच्छा अब एक चीज अच्छा समुच्चय में जान लेना है, कर्म और उपासना एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्या बोलते हैं विकल्प, बोले ये ना करें तो इसकी जगह क्या कर लो ये सब्स्टिट्यूट ले लो, ये नहीं हो सकता। मतलब कर्म ना करके हम उपासना कर, बोले ये टैबलेट ना खाकर ये खा लें तो बोले सेम फल मिलेगा आपको, ये नहीं हो सकता। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, कर्म एकदम अलग है और उपासना एकदम अलग है। देखो जी समझ में आ रही है चीज, दोनों ही पृथक हैं। और दृष्टांत के तौर पे ये कहा गया कि भाई पानी का प्रभाव अलग है और अन्न का प्रभाव, आपको भूख लगी हो तो कोई बोले पानी पी लो तो पानी का प्रभाव क्या है, अब एकदम भूख लगी हो कोई पानी ही पिए तो फिर तो विकार आ जाएगा। पानी अलग चीज है और अन्न एकदम, क्योंकि दोनों का ही फल कैसा है, इसी तरह से ये समझना चाहिए। हाँ दोनों के जो फल हैं वो कैसे हैं अलग अलग है। अन्यत एव इत्यादि अन्यत पृथक एव विद्या क्रियते फलम इति आहुर वदन्ति। दोनों के फल अलग 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 कहे गए हैं, क्या कहे गए हैं, विद्या देवलोक, विद्या की उपासना करने वाला, विद्या मतलब, विद्या मतलब उपासना, विद्या मतलब उपासना, ये क्या होगा, बोले कहां जाएगा, बोले देवलोक। देखो ये कहां जाएगा, बोले देवलोक, यही नहीं ये कहां जाएगा, विद्या तद आरोहंती, तद मतलब वहां, बोले वहां मतलब कहां, बोले अपने उपास्य के पास में। ये विद्या का उपासक उपासना करने वाला व्यक्ति तद तद मतलब अपने उपास्य के लोक में ही क्या हो जाएगा, ये वहां पे जाएगा। ये कहां बोला गया है, बोले इति श्रुते है, ये बात कहां आई श्रुति में। और दूसरा जो व्यक्ति है अन्यदाहुर अविद्या कर्मणा क्रियते, जो ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है कर्म करता है, उसको कहां जाते हैं, क्या लिखा है श्रुति में, कौन सा लेख लिखा है, कर्मणा पितृलोके, बोले अपने मन से ही बोल रहे हो आप, बोलते नहीं बृहदारण्य उपनिषद में बात आई है, देखो लिखा नहीं ब्रैकेट में, ये कहां फल आया, बोले बृहदारण्य इति सुश्रुम श्रुतवंतः, यह चीज मैंने क्या की सुनी, श्रुतवंतः सुनी, बोले किससे सुनी, बोले धीराणाम, ये मैंने धीर पुरुष से क्या की ये चीजें सुनी, क्या सुनी, बोले उनके वचनों को मैंने क्या किया सुना। इसका मतलब वचन शब्द का यहां क्या कर लेना चाहिए, अध्याहार कर लेना चाहिए, है ना,
वचन शब्द मैंने किसको सुना, उस धीर पुरुष के वचनों को क्या किया, सुना। धीमताम वचनम यह आचार्याः अस्मभ्यम तत्कर्म च ज्ञानम, उस आचार्य ने हमारे लिए क्या किया, ज्ञान को बोला और कर्म को विचचक्षिरे व्याख्यावंतम उन्होंने बोला। तेषाम आगम, कैसा ज्ञान बोला, बोले मनगढ़ंत ज्ञान आचार्य ने भी नहीं दिया, कैसा दिया, पराम परंपर्या, जो उसको परंपरा से यह ज्ञान मिला। कौन सा ज्ञान मिला, ये कर्म और उपासना का। देखो जी, तो कुछ लोग कर्म करते हैं तो उपासना नहीं करते, कुछ लोग उपासना करते हैं तो कर्म नहीं करते। बोलते हैं ये दोनों के दोनों वैकल्पिक ऐच्छिक नहीं है, समझ में आ गया, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, ये नहीं है कि इसकी जगह ये कर लो। आपके पास शिव जी को चढ़ाने के लिए वस्त्र नहीं था, चढ़ाते ना वस्त्र उपवस्त्र, तो आप क्या बोलते हैं, वस्त्र अभावे रक्त सूत्रम समर्पयामि, वस्त्र के अभाव में मैं क्या देता हूं, रक्त, रक्त सूत्र मतलब मोली, बोलते हैं वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र अभावे रक्त सूत्रम समर्पयामि, तो उसके अभाव में आपने क्या दे दिया, ये क्या हो गया उसका सब्स्टिट्यूट। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कर्म नहीं किया तो उसके बदले क्या कर लें, उपासना, और उपासना नहीं किया तो उसके बदले क्या कर लें, ये नहीं हो सकता। बोले दोनों ही दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, दोनों का जो फल है वो कैसा है, अलग अलग है। ठीक है, आगे कल देख।